स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और कोन के बाद अभी थ्री डायमेंशनल सॉलिड में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, स्फेयर के ऊपर एक्सरसाइज होगा। तो एरिया ऑफ स्फेयर देखो पूरा 4πr² है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर को भी समझाया हुआ है, R1 एक्सटर्नल रेडियस है और R2 इंटरनल रेडियस है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह है, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr² - πr² यानी R1 का स्क्वायर - R2 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे डिराइव करके आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है कि वॉल्यूम जो है सेमी स्फेरिकल शेल का 2/3πr³ - r² का³ होगा। और ये तब की बात है जब जो है इसमें थिकनेस दी रहेगी, ठीक है, ये थिकनेस के लिए है। और नहीं तो नॉर्मली एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर अगर आधा कर देंगे तो 2πr² और यहाँ पे 2/3πr³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हेमिस्फेयर के लिए दिया है वैसे ही स्फेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे देखेंगे जैसा जैसा कंडीशन आएगा उसके साथ सॉल्व करना है। अब जो हमें अब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो उसमें हो सकता है कि पिछला जो हमने पढ़ा है वो भी इंक्लूड हो, यानी हो सकता है सिलेंडर भी हो, कोन भी हो, ठीक है, और ये स्फेयर भी हो। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो देयर आर 6 पार्ट, और 6 पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम और CSA फाइंड करना है स्फीयर का। इफ पाई पहले ही मेंशन कर दिया कि इतना ही लेना है आपको, फिर पहले में रेडियस दिया हुआ है, दूसरे में रेडियस और यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और ये बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हर किसी को इसको सॉल्व करना चाहिए, है ना। आप समझदार हो वो अलग बात है, लेकिन इससे आप और परफेक्ट हो जाते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr³, यानी कि 4/3 है ना, 4/3πr³, तो 4/3 इंटू 22/7 r³ 1 × 1 × 1, कुछ भी कटने वाला नहीं है, 88/21 cm³। इसके अलावा हमें CSA भी फाइंड करनी है और CSA का फॉर्मूला है 4πr² 4 × 22/7 × 1 × 1। 22 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 cm², यहाँ पे क्यूब वॉल्यूम है तो और यहाँ पे स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड में रेडियस है 14, वॉल्यूम है क्या होगा 4/3πr³, यानी कि 4/3 × 22/7 × r³, यानी कि 14 × 14 × 14, 3 times, तो 7 हो जा 7 × 2 = 14। और फिर बस है ना, 4 × 22 × 2 × 14 × 14 अपॉन में 3, यही आएगा। ये 44 हो गया, तो ये पूरा 176, 14 × 14 = 196 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 4 4 9 6/3, और डिवाइड करने पे 11 4 9 8 whole 2/3 cm³, ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब इसके बाद निकालना है आपको CSA, CSA के लिए 4πr² 4 × 22/7 × 14 × 14, 7 × 7 = 2 इधर 22 4 = 88 × 8, 88 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 14 है ना यहाँ पे, तो कम आ जाएगा 64 के 4, हाँ यहाँ कम आ जाएगा, कितना था यहाँ पे 14 होना चाहिए, 88
इंटू 14 to 28। अब करेंगे 28 का मल्टीप्लाई 88 से, तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। अब यहां पे थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड में रेडियस दी हुई है 28, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 थ्री टाइम्स, 7 × 1 = 7, 4 = और कुछ नहीं कटने वाला। 4 × 22 = 88 इंटू 4 × 28 × 28 अपॉन में 3 भी है। मल्टीप्लाई करने पे सारा का सारा कितना आएगा आपका, 2 7 5 9 6 8 अपॉन में 3। अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 = 27, 3 1 = 3, 3 9 = 27, फिर 3 8 = 24 और 3 9 = और बचा 1 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। CSA कैलकुलेट करना है तो 4 πr² 4 × 22/7 × 28 × 28 7 × 1 = 7, 4 = 88 × 112 कितना आ जाएगा, 28 × 4 कर दिया है मैंने तो 112 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का फोर्थ पार्ट। रेडियस दिया हुआ है 5 whole 1/4 सेंटीमीटर, यानी कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 21/4 सेंटीमीटर हो गया। हमें कैलकुलेट करनी है पहले वॉल्यूम, तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, यानी कि 21/4 × 21/4 × 21/4 थ्री टाइम्स। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा इस बार, लेकिन आपको लिखना होगा हर बार आप करना। तो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, 7 1 = 7, 3 = 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, अच्छा अभी भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 = 2 11 = तो 11 × 21 × 21 अपॉन में 4 2 = 8 21 का स्क्वायर 441 अपॉन में 8 × 11 11 से अब लेके जाना आसान होगा मल्टीप्लाई करना, जो 11 5 और 8 और ये कितना आएगा 4 4 8 5 1/8। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करना भी आसान है, 8 6 = 48 फिर 0 पुट करेंगे तब जाके जो है कि होगा अगेन 6 8 6 = 48 तो कितना बचा, 3 बचा रिमाइंडर अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। अभी इसके बाद हमको क्या निकालना है, CSA CSA इज इक्वल टू 4 πr², यानी 4 × 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी 21/4 × 21/4 एक 4 से 4 कैंसिल हो गया और 7 1 = 7, 3 = 2 2 = 2 11 = यानी कि 11 3 = 11 × 3 × 21 अपॉन में 2 तो 33 × 21 करेंगे, 33 × 21 आएगा हमारा 693/2 कन्वर्ट करेंगे, 2 3 = 2 4 = 2 6 = और कैरी हुआ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद दो और है अभी, अब इसमें डायमीटर दिया हुआ है बस। फिफ्थ वाले में दिया है डायमीटर 14, तो रेडियस d/2 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है 4/3 πr, डायरेक्टली कर रहे हैं πr³, यानी कि 7 × 7 × 7 7 से 7 रिड्यूस हो गया, 22 × 4 = 88
अब 7 7 49 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करो 88 को 49 से, तो 9 8 72, 1 और कितना 3, कितना जाएगा 4 3 12 अपॉन में 3। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 3 7 21, कैरी हुआ 1 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हमें सी एस से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या लगाएंगे, 4πr² 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट हो गया, 7 4 = 28 × 22, तो 28 में 22 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फर्स्ट का 6 पार्ट। अब लास्ट वाले में देखो डायमीटर 35 है, तो रेडियस इसका हाफ हो गया, सेंटीमीटर में ही है सारी वैल्यूज। वॉल्यूम 4/3 π यानी 22/7, आर क्यूब यानी 35/2, 2 1 2 2 2 1 2 2 4, 7 1 7 5 35, फिर 2 1 2 11, यानी 11 × 35 × 35 × 5 होल अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 673 75 अपॉन में 3। डिवाइड करना तो आसान है, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12 और 3 5 15 हो जाएगा, तो कैरी लगा तो 3 8 24, 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है सी एस से है हमारा 4πr², ठीक है, तो 4 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35/2 × 35/2, 2 1 2 2, फिर 2 से 2 रेडियस हो गया, 7 1 7 5, देखो 22 × 5 110 × 35। अब इसको इजीली कैसे करेंगे, 11 5 = 55, 11 3 = 33, 385 और 0 पुट कर दिया, तो आ गया ये हमारा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। रेडियस फाइंड करना है और सरफेस एरिया इक्वल है वॉल्यूम के, तो यहां कंडीशन पहले ही मेंशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि 4πr² इज इक्वल टू 4/3πr³। पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, r² से पावर कट गई, सिर्फ एक r बचा, यानी r/3 = 1, यानी कि r = 3, ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2.8। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो 2.8 है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई रिड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला आर डिफरेंट है और यहाँ वाला आर क्या है? 2.8 का हाफ है, यानी 2.8 बाई 2 इंटू 2.8 बाई 2 डायमीटर का हाफ होता है। तो ये रिमूव करेंगे 20 20, तो 4 7 जा 4 5 जा 4 7 जा 4 5 जा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया हमने। रेडियस कितनी आई? अंडर रूट में 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो रेडियस की वैल्यू एक पेयर निकाल लेंगे, 7 अपॉन में 10, यानी 0.7। तो डायमीटर हमसे पूछा था, तो डायमीटर स्फेयर का कितना हो गया? 0.7 इंटू 2, यानी रेडियस का जस्ट डबल, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस पता करना है स्फेयर का जिसका वॉल्यूम दिया है 32 बाई 3 पाई। क्वेश्चन नंबर 4th। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, रेडियस पता करना है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम के लिए होता क्या है स्फेयर का? 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 32 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, और 4 1 जा 4 8 जा 32, फिर पाई से कुछ नहीं कटेगा। पाई था वो था ना, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, पाई तो है ना यहाँ पे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी कि देयर फॉर आर इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई, और यही पता करना था मुझे रेडियस क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4.851 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, सरफेस एरिया आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.851, तो वॉल्यूम का मतलब 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4.851। तो रेडियस पता करनी होगी ना हमें, तो आर क्यूब के 4 बाई 3 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 4.851। आर क्यूब इज इक्वल टू 4.851 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 4। अब इसको कट करना होगा हमें, कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप जब कट करोगे ना तो आर क्यूब इक्वल आएगा 1.15765 के, इसके इक्वल आएगा, और ये इक्वल होता है किसके क्यूब के? 1.05 के क्यूब के इक्वल होगा, यानी आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी मेरे पास 1.05 सेंटीमीटर। सी एस ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 1.05 का स्क्वायर, तो 4 88 अपॉन 7 हो गया। 1.05 का स्क्वायर करेंगे है ना, तो 1.05 का स्क्वायर करने पे आएगा, वैल्यू आएगी हमारी 88 बाई 7 इंटू 1.1025, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो आएगा मेरा 97.02 बाई 7। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे,
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टिपिकल है, मल्टीप्लाई में भी टाइम लगेगा और क्यूब निकालने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना, पेयरिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो स्फेयर। हॉलो है जिसका आउटर डायमीटर 10 दिया है एंड थिकनेस जो है मटेरियल का वो 1 सेंटीमीटर दिया है ना, हॉलो है अंदर से, तो उसका हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इस तरह से पूरा होगा वो हॉलो है ना, ये 3D है, तो ये R2 है यानी स्मॉल R ले लेते हैं और इसको कैपिटल R ले लेते हैं, और जो डायमीटर दी हुई है आउटर डायमीटर 10 दी हुई है यानी कैपिटल R 10 दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल D है ना 10 है, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो स्मॉलर इनर वाला कितना हो जाएगा, 5 माइनस थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि स्मॉलर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर बाहर वाले का माइनस अंदर वाले का, यहीं पे डिराइव कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब है ना, जो आउटर वाला है उसमें से जो इनर वाला है ये माइनस कर देंगे तो ये मटेरियल की थिकनेस आ जाएगी, हॉलो की आ जाएगी, कितना आएगा, तो ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 और इंटू में 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो कुछ भी नहीं कट रहा, 88 अपॉन में 21 इंटू 125 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 188, 4 का क्यूब था ना, तो 64 आएगा, ठीक है होता है, तो 88/21 इंटू 125 में 64, तो इधर से बचा 36 और इधर से बचा 25, तो कितना आ गया टोटल 61। तो अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, तो 88 में मल्टीप्लाई करेंगे 61 का, आएगा 5368 और इसको डिवाइड करेंगे हम 21 से, आंसर आएगा हमारा 255.619 या फिर अप्रॉक्स 255.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:9। सरफेस एरिया दो का दिया हुआ रेशियो में 4:9 के, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो तुम्हें पता करना है। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ए पहले का, सरफेस एरिया दूसरे वाले का, यहाँ पे भी 4πr², यहाँ पे भी 4πr², अच्छा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका रेडियस 1 और इसका रेडियस 2, तो 4 से तो 4 कट ही गया, पाई से तो पाई कट ही गया, तो r1 और r2 की रेशियो कितनी आ रही है, रेशियो दी हुई कितनी है, रेशियो दी हुई है 4/9 यानी कि r1/r2 दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो, और इधर क्या हो जाएगा 2/9 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो r1/r2 यानी कि रेडियस कितना आ रहा है, तो r1/r2 की वैल्यू रेडियस का रेशियो आ जा रहा है 2/3। ये पता चल गया मेरे को, अभी मेरे को वॉल्यूम का रेशियो पता करना है, तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये पहले वाले का, फिर 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, ये दूसरे वाले का, पाई से कट किया पाई को, 4/3 से 4/3 को, आर 1 यानी कि 2, आर 2 यानी कि 3,
और इन दोनों का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी आंसर कितना आएगा, वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, V1:V2 दैट इज इक्वल टू 8:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेडियाई, रेडियाई फाइंड करना है इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 21। अच्छा यहाँ पे देखो एक और चीज दे दी है कि रेडियस का जो सम है वो कितना है, 21 है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 64:27। अभी जैसे इसको किया पहले वैसे ही वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके रेडियस का हम निकालते हैं वैल्यू, तो वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 64 अपॉन में 27, यानी कि सेम 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी 1 अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी सेकेंड वाला इज इक्वल टू 64/27, 4/3 पाई पाई, तो R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब, यानी कि यहाँ से देयरफॉर R1:R2 इज इक्वल टू 4/3 आ गई। अभी यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है और वो चीज़ क्या है कि दोनों का सम दिया हुआ है 21, अगर एक x हुआ तो दूसरा 21 माइनस x होगा, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, है ना, तो R1:x तो देयरफॉर R2:21-x, यही होगा, यानी कि x अपॉन में 21-x इज इक्वल टू 4/3, पुट कर दिया मैंने R1 की जगह पे, R2 की जगह पे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ऑफ -4x। अभी देखो इधर लेके भी गया और मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4x, यानी कि 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 84, 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 84/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा, x की वैल्यू कितनी आई, 12, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 R1 की, और 21 माइनस 12 कितनी आ जाएगी दूसरी, 9 आ जाएगी, ये हुआ R1 और ये हुआ R2, ठीक है, 12 और 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ डायमीटर 10 मीटर, ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, डायमीटर उसका 10 दिया है एट द रेट ऑफ 1.40 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पता करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर है डोम का 10 मीटर, देयरफॉर रेडियस हाफ कर दिए 5 मीटर, CS से इज इक्वल टू 2πr², देखो पूरे का 4πr², तो हेमिस्फीयर का 2πr², यानी कि 2 × 22/7 × 5 × 5, 22 × 5 = 110 / 10, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 1100/7 m². रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 1.40 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या होता है हमेशा, एरिया इंटू रेट, जहाँ वॉल्यूम की जरूरत है कि वॉल्यूम इंटू रेट, जहाँ एरिया है तो एरिया इंटू रेट, तो 1100/7 × 1.40 डेसिमल हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, 00 से 00 कट गया, 7 1 जा 7 2 जा 14, यानी 11 2 ना 22, 220 रुपये में पूरा पेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th में देखो, अ सर्टेन स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सर्टेन स्फेरिकल बॉल है डायमीटर 4 सेंटीमीटर का, उसका वजन है 8 kg, फाइंड द वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ द सेम मटेरियल हुज इनर एंड आउटर डायमीटर आर 8 और 10। अभी देखो यहाँ स्फेरिकल दिया है जिसका डायमीटर 4 था, वेट करता था 8 kg, तो यहाँ से हमको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और दूसरे वाले में कह रहा है कि वेट पता करना है स्फेरिकल बॉल का, सेम मटेरियल का बना है और वो उसके अंदर जो है
आउटर और इनर डायमीटर दिए हुए हैं, 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डायमीटर बॉल का कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 πr³, यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब 2 2 एंड 2, तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 इंटू 22, 32 इंटू 22 करेंगे 704 आएगा नीचे 21 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बॉल का वेट कितना है, तो वेट दिया हुआ है 8 kg, ये 8 किलो का बॉल है, तो यहाँ से पर सेंटीमीटर कितना आ रहा है, तो वेट पर सेंटीमीटर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू, पूरा वेट कितना है 8 किलो का अपॉन में 704 और डिवाइड में डालते 21 तो ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो अभी ये रिड्यूस होगा, लेकिन रिड्यूस करें तो कैसे करें, यहाँ केजी है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी को एक फॉर्म में होना चाहिए, तो ग्राम में ले लेते हैं इसको, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 8 × 21, देखो यहाँ पे ये केजी है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम क्या करें, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या तो केजी मीटर क्यूब, तो 8 × 21 × 8 kg है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा 704। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, कट होगा ना 4 से, 4 1 जा 4 4 7 जा 28 4 6 जा 24, यहाँ 4 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा, फिर यहाँ पे 8 1 जा 8 1 जा, और ये 8 से पूरा चला ही जाएगा मेरे ख्याल से 125 बार में, है ना, तो 125 × 121 अपॉन 11 कितना आएगा 2625 अपॉन में 11, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेट पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना आएगा, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो बॉल दिया हुआ है ना, यानी कैपिटल डी दिया है 10 और स्मॉलर डी दिया है आपका 8, तो यानी कि एक्सटर्नल वाला हो गया 5 और इंटरनल वाला हो गया आपका 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, और कर चुके हैं हम इससे पहले एक क्वेश्चन, तो हम करेंगे डायरेक्टली r³ - r³, यानी कि 4/3 × 22/7 और ब्रैकेट में होगा 5³ - 4³, कितना आ जाएगा 488 अपॉन में 21 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5³ कितना होता है 125 माइनस 4³ = 64। नेक्स्ट स्टेप में 88 अपॉन 21 इंटू दोनों को माइनस करने पे 61, ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अब एक सेंटीमीटर का मतलब इतना ग्राम है, तो 61 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है तुम्हारा 2625 × 11 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 88 × 61 / 21 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट हो जाएगा, तो 2625 / 11 × 88 × 61 / 21, इतना हो जाएगा। कटपिट करना है 11 1 जा 11 8 जा, ठीक है। अभी 2625 से 21 कटेगा कि नहीं, 5 2 7 और 8 8 7 15 कटेगा, 3 7 जा 3 8 जा 24 3 7 जा 3 5 जा, फिर 7 से कटेगा, हाँ हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 5 जा, कितना आ गया 125 × 61,
यही है, इतना ही बचा। अच्छा ये 8 भी तो है, इंटू 8, 8 × 125 1000 होता है पता है हमें। इंटू 61 यानी 61,000 ग्राम यानी कि 61 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।